अहम है कि ये स्किल कौन सा होना चाहिए आप किस किस्म की स्किल्स को फ्रीलांसिंग में बेच सकते हैं तो सबसे पहले आपके स्किल की डिमांड होनी चाहिए और आपको स्किल वो स्किल वो काम करना भी आना चाहिए देखिए अगर आपके की डिमांड नहीं है तो आप एक फ्रीलांसर की हैसियत से कामयाब नहीं हो सकते बिल्कुल वैसे ही जैसे कारोबारी शख्स जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है अगर वह सर्दियों के मौसम में एसी का स्टॉक कर लेगा अब चाहे उसके एसी कितने भी मयारी हैं और कीमत में इंतहाई मुनासिब है लेकिन सर्दियों के मौसम में कितने ऐसे बिकेंगे डिमांड ही नहीं है ना बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके स्किल की डिमांड नहीं होती तो आप एज अ फ्रीलांसर ग्रो नहीं कर सकते बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम हम दो साल से फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे तो उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि जिस स्किल का उन्होंने इंतखा किया होता है उसकी डिमांड नहीं होती तो डिमांड वाली स्किल होना इंतहाई लाजिम है जिन स्किल्स की फ्री में डिमांड होती है वो दो तरह की होती है एक को कहा जाता है इंस्टेंट स्किल और दूसरी कहलाती है कैश का स्किल इंस्टेंट नाम से ही जाहिर है फोरी स्किल जिसको सीखना और बेचना दोनों इंतहाई आसान है छोटा स्किल होता है सीखा भी जल्दी जाता है और आप इसको फौरन से बेच भी सकते हैं यही वजह है कि मैं आपको इस ट्रेनिंग में तीन इंस्टेंट स्किल सिखाऊंगी जो ना सिर्फ आप 30 से 35 मिनट में सीख जाएंगे बल्कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से उसको बेचने के भी काबिल हो जाएंगे बिल्कुल अपने सीनियर्स की तरह हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली दफ़ा जिंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हों या पहली दफ़ा फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप सब लोग इंतहाई आसानी से इन स्किल्स को सीख सकते हैं इंस्टेंट स्किल के साथ साथ होती है कैश का स्किल्स ये वो स्किल्स हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा है डिमांड इनकी भी है लेकिन इनको सीखने में आपको वक्त दरकार है कम अज़ कम तीन से छः महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है किसी भी कैश काउ स्किल को सीख के उसको बेचने के लिए क्योंकि इनकी कीमत इंस्टेंट स्किल से कहीं ज्यादा होती है अच्छा فرض कह लेते हैं कि आपके पास एक इंस्टेंट स्किल है जिसकी डिमांड भी है आपको काम करना भी जानते हैं अब हम उसको कैसे बेचेंगे स्किल को बेचने के लिए अगली चीज जो आपको चाहिए वो स्किल का प्रूफ है बगैर प्रूफ के आप किसी भी स्किल को नहीं बेच सकते अब स्किल का प्रूफ क्या होगा क्या ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री है या किसी ادارے का सर्टिफिकेट हरगीज नहीं स्किल का प्रूफ ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई सर्टिफिकेट है स्किल का प्रूफ होता है स्किल का पोर्टफोलियो जिसका मतलब है उस स्किल में किया गया आपका पहले से काम इस कोर्स का एक फायदा आपको ये भी होगा कि कोर्स के दौरान ही आप लोगों के पोर्टफोलियोज बन जाएंगे जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे उससे आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे आपकी स्किल और पोर्टफोलियो को लेकर जाएंगे एक मार्केट में जहाँ पे स्किल को बेच के हम पैसे कमाएंगे कोई भी चीज़ खरीदनी या बेचनी हो तो मार्केट का रुख किया जाता है इसलिए हम भी स्किल्स की मार्केट में जाएंगे जहाँ स्किल बिकता है इन मार्केट्स को कहा जाता है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस ये दो तरह की होती हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी फिजिकल मार्केट दो तरह की होती है रिटेल और होलसेल रिटेल की मार्केट में काम करने का तरीका कार मुख्तलिफ है होलसेल में काम करने का तरीका कार मुख्तलिफ है बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस पे स्किल को बेचने का तरीका कार मुख्तलिफ है और नॉन ट्रेडिशनल में मुख्तलिफ तरीके से स्किल बेचा जाता है आपके सामने स्क्रीन पे कुछ मार्केट प्लेसिस नजर आ रही है इसमें फाइवर अपर टॉप टेल पीपल पर आर फीलर डॉट कॉम बेशुमार मार्केट प्लेसेस है हम दो मार्केट प्लेसिस पे काम करेंगे फाइवर जो सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है और अपर जो ट्रेडिशनल दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इन दोनों मार्केट्स पे हम अपनी स्किल को बेचेंगे आपकी ट्रेनिंग दो लेवल्स पे होगी बेसिक और एडवांस बेसिक लेवल में हम तीन इंस्टेंट स्किल सीखेंगे प्रोडक्ट मॉकअप लोअर थर्ड और स्लाइड शो अभी हम लाइव भी देखेंगे कि जो स्किल्स आप सीखने जा रहे हैं इनकी ऑलरेडी मार्केट में क्या प्राइस है पहले से मौजूद फ्रीलांसर्स इन स्किल्स को बेच के कितने पैसे कमा रहे हैं इसके साथ साथ बेसिक लेवल में मैं आपको फाइवर पर काम करना सिखाऊंगी फाइवर क्या होता है अकाउंट कैसे बनता है प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है गिग कैसे सेटअप करते हैं फाइवर की जुबान में आपकी स्किल या सर्विस को गिग कहा जाता है ये गिग बनता कैसे है बिकता कैसे है ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे और गिग सेल करने के बाद जो आपके पास पैसे आएंगे उनको विदड्रॉ कैसे करना है बैंक कैसे अटैच होगा ये तमाम चीजें हम अपने बेसिक लेवल में सीखेंगे बेसिक लेवल के कम्प्लीट होने के बाद आपका एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा uh, एक शख्स जिसकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है आमतौर पे उनके पास दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं लोकल और इम्पोर्टेड लोकल प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है इम्पोर्टेड की कीमत आमतौर पर लोकल से ज़्यादा होती है वजह यह है कि उसको इम्पोर्ट करने पे कॉस्ट आती है और टाइम भी लगता है इम्पोर्ट करने पे जिसकी वजह से कीमत ज़्यादा होती है बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपनी स्किल में वैल्यू ऐड करते हैं उसको एडवांस लेवल पे सीखते हैं तो आपकी स्किल की वैल्यू उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है यही वजह है कि जो स्किल्स आपने बेसिक लेवल में सीखी होंगी वो मैं आपको एडवांस लेवल पे भी सिखाऊंगी ताकि आप उसको बेहतर कीमत पे बेच सकें मॉकअप डिजाइन कैसे करते हैं लोअर थर्ड्स को एनिमेट कैसे किया जाता है लिरिकल स्लाइड शोस कैसे बनते हैं ये तीनों स्किल्स हम अपने एडवांस लेवल में सीखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एडवांस लेवल में अपवर्क पे काम करना सिखाऊंगी अपर क्या है काम कैसे होता है स्किल कैसे बिकेगा अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोफाइल अप्रूवल तक और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स कैसे विन कर सकते हैं प्रपोजल कैसे लिखा जाता है ये तमाम चीजें हम अपने एडवांस लेवल में सीखेंगे अब देखते हैं कि जो स्किल्स आप सीखने जा रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में वो किस कीमत पे बिक रहे हैं और बाकी फ्रीलांसर्स उनसे कितने पैसे कमा रहे हैं इसके लिए हम फाइवर पे जाएंगे फाइबर के बारे में मैंने बताया कि ये सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है यहाँ तकरीबन दुनिया का हर एक स्किल बिकता है इसको स्किल्स की दुकान भी कहा जाता है यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट मॉकअप ये वो स्किल है जो इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी प्रोडक्ट मॉकअप लिखने के बाद अगर आप देखो तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये एक स्क्वेयर बॉक्स एक गिग कहलाता है गिग वो स्किल या सर्विस जो आपने सेल कर दी है तो हम क्या करते हैं हम किसी भी एक गिग को ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने ये गिग ओपन किया uh, सबसे पहले गिग का टाइटल होता है टाइटल के बाद फ्रीलांसर का नाम उसका लेवल फीडबैक फीडबैक के बाद ब्रैकेट में एक नंबर नजर आ रहा है ये नंबर ये बताता है कि ये गिग ऑलरेडी कितनी दफा बिक चुका है यहाँ पे आमतौर पे वो नंबर बताए जाते हैं जिन पे फीडबैक मिला हो जब भी हम किसी ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक फीडबैक देना होता है जैसे हम क्रीम ओवर के कैप्टन को फीडबैक देते हैं बिल्कुल ऐसे ही जब आप फ्रीलांसिंग में अपनी स्किल्स को सेल करेंगे तो सर्विस के इस्तेमाल के बाद क्लाइंट आपको फीडबैक देगा आप क्लाइंट को फीडबैक देंगे और फाइवर ये कहता है कि 50% परसेंट फीडबैक देते हैं और 50% परसेंट सिर्फ पेमेंट रिलीज करके तो गायब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये गिग अब तक करीबन पंद्रह दफा बिक चुका है पंद्रह uh, सौ को मल्टीप्लाई करते हैं इस गिग की, की कीमत से लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये गिग किस कीमत पे बिक चुका है क्योंकि यहाँ पे गिग की तीन कीमतें हमें नजर आ रही हैं पंद्रह डॉलर और सिक्सटी फाइव डॉलर तो हो सकता है ये गिग अब तक सिक्सटी फाइव डॉलर पर बिकता रहा हो फिफ्टीन डॉलर पे बिकता रहा हो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्राइस लेते हैं जो कि फोर्टी फाइव डॉलर है और फिफ्टीन हंड्रेड को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्टी फाइव से ये बनता है सिक्सटी सेवन थाउजेंड डॉलर इसको अगर आप पी में कन्वर्ट करें तो ये अच्छी खासी रकम बनती है ये वो रकम है जो अब तक ये सिर्फ एक गिग कमा चुका है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सारे पैसे इस गिग ने एक दिन एक महीने या एक साल में कमाए होंगे हो सकता है इस फ्रीलांसर को इस गिग के जरिए इतने पैसे कमाने में तीन साल लग गए हो तो हम इसको डिवाइड करते हैं तीन साल से और ये बनता है करीबन 1800 डॉलर पर मंथ अच्छी खासी अमाउंट है चलें अ बिगनर अगर आप 1800 डॉलर नहीं कमा सकते 800 डॉलर तो कमा सकते हैं या इतना तो कमा सकते हैं जितना आपके सीनियर्स कमा रहे हैं अगर आप सही तरीके से काम करें और अपनी स्किल पे फोकस करें तो बहुत आराम से आप इंस्टेंट स्किल के जरिए फोर फाइव हंड्रेड डॉलर पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हैं ये कैसे होगा स्किल सीखना उसको बेचना इन मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट बनाना ये सब चीजें मैं आपको ए टू जी कोर्स में सिखाऊंगी अभी के लिए आप लोग मुझे इतना बताएं कि आप लोगों को फ्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फ्री क्या होती है और इसमें आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं इनकी चैट ओपन कर दिया नीला

पे निकलते हैं तो मुश्किल पेश आ सकती हैं डाउन हैं हो हो जब आप लोग भी फ्री कर रहे हो, फ्री के सफर पे निकले तो कोई मुश्किल पेश आ जाए क्लाइंट की समझ नहीं आ रही प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही मार्केट प्लेस पे कोई मसला हो गया जितने भी प्रॉब्लम्स आपको इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में पेश आ सकते हैं उन सबका सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है तो आप लोगों ने सिर्फ दो काम करने हैं अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अब क्या होगा वो जो होगा उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगी ट्रेनिंग आप लोगों की एक महीने की होगी लेकिन इनशाला हमारा साथ इस सफर में लाइफ लाइफ टाइम टाइम रहेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ती रहेगी कि क्वेश्चन आपका निकलता रहेगा और इनशाला मैं आपको हर एक प्रॉब्लम में गाइड करूंगी और दूसरा सबसे अहम करने वाला काम ये है कि आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है देखें फ्रीलांसिंग में ना सीखने वाली चीज होती है डायरेक्शन अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं होती तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स दीवार में टकरे मार रहा है जब दीवार में टकरे मारी जाती है एनर्जी तो लगती है लेकिन उस एनर्जी का कोई हासिल असूल नहीं होता आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है तो हमने अपनी एनर्जीज को जाया नहीं करना हमने एक डायरेक्शन में काम करना है ताकि हम कम वक्त में जल्दी कामयाब हो सके जी नीला इफ दे हैव एनी क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आप लोगों का कोई भी सवाल है फ्रीलांसिंग से मुतालिक मैम तो yes, जी एक स्टूडेंट है वो ये पूछ रहे हैं कि आप इस कोर्स में हमें गिग सेल करना बताएंगे बिल्कुल यही तो मैंने आपको बताना है पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने गिग किस स्किल का बनाना है देन आप उसको बनाएंगे कैसे और फिर सेल कैसे करेंगे मैम बाकी स्टूडेंट्स के अबाउट एनरोलमेंट के क्वेश्चंस हैं अगर आप ही चाहते हो तो मैं आप उनके साथ मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल शेयर कर दें थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग है आई होप कि आज के इस डेमो सेशन से आप लोगों का फ्री लांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं खुश रहें अल्लाह हाफिज़

व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाए जाएंगे सोलेशन में जो जो मसले मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा लेक्चर में जो जो मसले मसाइल आएंगे उन्हें भी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी वहां पर पेड सेशन के लिंक्स आपको दिए जाएंगे ताकि इजीली आप लोग अपनी क्लास को अटेंड कर सके आफ्टर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान नाइन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा मैं अगेन बताती चलू 1500 पर कोर्स फीस है अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आज के डेमो सेशन का आपने लिंक लिया है काइंडली वहीं पे कांटेक्ट करेंगे वो अबाउट इनरोलमेंट आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं आपका आपकी क्लासेस सेवेंथ नवंबर से स्टार्ट हो रही है यानी कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है मिलते हैं पेड सेशन में अपना ढेरों सारा ख्याल रखेगा अल्लाफिज